রেলের জায়গায় অবৈধভাবে চলা স্কুল উচ্ছেদ করল রেল। রেলের জায়গায় অবৈধভাবে চলছিল স্কুল, খবর পেয়ে রেল কর্তৃপক্ষ ও আরপিএফ বাহিনী পৌঁছে সেই স্কুলকে উচ্ছেদ করা হলো। পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের যোগীস্থানে ঘটনা। এই ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে, প্রায় 40 বছর ধরে যোগীস্থানে বিবেকানন্দ স্কুল চলছিল। গরমের ছুটি দেওয়া হয়েছে স্কুলে। এদিন পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের উদ্যোগে সেই স্কুলকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। রেল আধিকারিকের তরফে জানানো হয়েছে, রেলের জায়গায় অবৈধভাবে এই স্কুল চলছিল, তাই উচ্ছেদ করা হয়েছে। যদিও বিবেকানন্দ স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, কোনো নোটিশ ছাড়াই এই উচ্ছেদ করা হয়েছে। এই স্কুলে 250 জন পড়ুয়া রয়েছে। এদিন রেল কর্তৃপক্ষ ও আরপিএফ বাহিনী পৌঁছে স্কুলের সমস্ত আসবাবপত্র গাড়িতে তুলে আনা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে আসানসোল ডিভিশনের জনসংযোগ আধিকারিক সুবল চন্দ্র মণ্ডল এবং বিবেকানন্দ স্কুলের প্রধান শিক্ষক কি বলছেন, চলুন শুনে নিন। মেরে স্কুল কা সাথে বিলা ইয়ে 40 বর্ষ সে স্কুল চল রহা হ্যাঁ রেল সে হম লোগ বারবার সম্পর্ক বনায়ে হুয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ যে ভাই হম লোগ কে রেন্ট দিজিয়ে ইয়া লিজ দিজিয়ে সবকো দেতে হ্যাঁ তো ইসকো ভি দিজিয়ে 40 বর্ষ সে চল রহা লেকিন হম লোগো কো না কোই লিজ দিয়া যা রহা হ্যাঁ না কোই কুছ দিয়া যা রহা হ্যাঁ হ্যাঁ বল্কি আজ বিনা সূচনা কো বোল রহা হ্যায় খালি করা দিয়া লাগে ইসমে 250-300 বচ্চে হ্যাঁ কহাঁ যায়েঙ্গে। कौन से स्ट्रीम में पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ, किस भाषा में पढ़ाते हैं? हिंदी भाषा में पढ़ाते हैं, हिंदी स्कूल है। कितने बच्चे होंगे? ये भी 250 बच्चे हैं। क्या हुआ है अभी इस स्थिति में? स्थिति में अब तो देखा जाएगा क्या होगा। अब सब वो बोल रहे हैं कि प्रशासन से बात कीजिए। प्रशासन से बात करने के बाद प्रशासन क्या आदेश देती है उसके बाद देखते हैं, नहीं तो हम लोग भी यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, विक्षोभ करेंगे, जो करना है सब सब हम लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी आप लोग का सामान का क्या स्थिति है? सामान में तो देख सब तो उठा करके लेके जा रहे हैं बिना लिस्ट, कोई लिस्ट नहीं कर रहे हैं क्या कर लेके जा रहे हैं क्या कर नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है ले जाएँ, कोई बात नहीं है, बाद में हम लोग। आपका डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड है बस हम लोग का जो इसको किसी भी तरह से लीज या रेंट सबको दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए, लीज दीजिए चाहे रेंट दीजिए चाहे टेंडर दीजिए, जिस तरह से भी हो हमको दीजिए, मेरा हम लोग का यही डिमांड है। 40 साल से आप लोग कोई डॉक्यूमेंट्स दे के रखे? हाँ हाँ, पूरा हम लोग करस्पेंड किया है यहाँ से लेकर के रेल मिनिस्टर, रेलवे बोर्ड और ये सब सब जगह हम लोग, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है। आपका नाम? राम सिंहासन पासवान। आपके बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं? यहाँ बच्चे 8 तक पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? उसके बाद में बच्चे चल जाते हैं अपना टीसी लेकर के दूसरे दूसरे स्कूलों में। जो बच्चे रुक जाते हैं उन लोगों को व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहाँ सुविधा हो जाता है बिहार से चाहे और जगह से उनको परीक्षा दिला देते हैं। दिक्कत ये है कि अचानक से रेलवे विदाउट मतलब के इंफॉर्मेशन दिए हुए और बगैर हमको कोर्ट का ऑर्डर दिए हुए और बगैर नोटिस दिए हुए आके ताला तोड़ दिया, बोर्ड को तोड़ दिया गया, स्कूल के बोर्ड को पेंट कर दिया गया, ब्लैक पेंट कर दिया गया, सारे सामान को अन अकाउंट के सामान था जिसको मतलब ये सीजर लिस्ट भी नहीं बनाया गया, ले के लोड करके ये लोग ट्रक में एकदम जस्ट गुंडा की तरह उठा के ले के चले गए, कोई कानूनी तरीके से भी नहीं ले गए। अगर स्कूल 40 साल से जहाँ पर चल रहा तो एक दो दिन में तो स्कूल नहीं बना, 40 साल से रेल क्या कर रही थी, और 40 साल पुराना रेलवे है और दूसरे इस विद्यालय में 250 बच्चे हैं। अभी अचानक से आप सेशन हमारा दिसंबर में ख़त्म होता तो आप हमको 3 महीना पहले बोलते कि भाई दिसंबर में हम इसको हम खाली कराएंगे, आप बच्चे को नोटिस कर दीजिए। अब अचानक अभी गर्मी की छुट्टी हम लोग स्कूल को बंद किया, इसी पीरियड में ये लोग यहाँ पर आके इस तरह का हमला करके इसको तोड़ ताड़ के और पूरे सामान को लेके चले जा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि आप लोग 40 साल से बोल रहे हैं स्कूल चला रहे थे, तो रेल के पास से क्या आप लोग को? रेल को पास देखिए, जिस तरीके से बहुत सारा यहाँ विद्यालय है जिसको आप खंगालेंगे तो देखेंगे कि रेल का अभी भी उनके पास ज़मीन का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट उसको मान्यता दिया हुआ लेकिन रेल की ज़मीन है। हम लोग कॉरेस्पोंडेंस रेल को हमेशा से करते रहे कि हम लोगों को लीज पर दे दिया जाए, हाँ हम लोग विद्यालय चलाएंगे। हमारे पास जो कॉरेस्पोंडेंस किया रेल मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स हम दे सकते हैं रेलवे प्रशासन। ये बच्चे कहाँ तक पढ़ते हैं? ये बच्चे क्लास 8 तक यहाँ पर होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्लास 9-10 अपना जस्ट यहाँ पर तैयारी करते हैं, IPR अपना बाहर से होते हैं। आपका नाम? हसन जावेद, विद्यालय के अध्यक्ष हैं। बोलती रेले स्कूल विवेकान সেখানে আজ উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের অভিযোগ আমাদের বিনা নোটিস করেই এই জমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে। দেখুন,
জমিটা যে স্কুল চালাচ্ছে সেটাই হচ্ছে একটা আনঅথরাইজড থিং, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, রেল কর্তৃপক্ষ আনঅথরাইজ যে অকুপ্যান্ট আছে তাদের উইদাউট নোটিশে কখনোই দখলমুক্ত করার চেষ্টা করে না, অবশ্যই নোটিশ করা হয়েছে। এটা সুপ্রিম কোর্ট, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে, সমস্ত রেলের জমি থেকে দখলমুক্ত করতে হবে। আসানসোল ডিভিশন ঠিক সেই রকমই একটা স্টেপ নেওয়া হয়েছে, এর আগেও দখলমুক্ত করেছে, এখনও চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে যতদিন পর্যন্ত দখলমুক্ত না হচ্ছে। কোন কোন জায়গা আর দখলমুক্ত করবেন? আপাতত আসানসোল এরিয়াতে যেটা দেখা যাচ্ছে মোহডাঙ্গা এবং চাঁদমারি এরিয়াতে নোটিশ সার্ভ হয়ে গেছে, ইন ফিউচার ওটাকেও দখলমুক্ত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্যার, ওদের অভিযোগ 250 বাচ্চা ওখানে পড়ে, তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে? তাদের ভবিষ্যৎ যারা স্কুল চালিয়েছেন এবং যারা অভিভাবক তাদের উপরেই ব্যাপারটা কোশ্চেন করা হচ্ছে। নাম আসানসোল, এসসি মন্ডল। সৌমিত্র গাঙ্গুলী, রিপোর্ট, টাইমস বাংলা।